राम रहीम जेल में है और वहां उसकी जिंदगी कैसे चल रही है इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती रही है। लेकिन अब हरियाणा जेल के डीजी केपी सिंह ने खुद सामने आकर राम रहीम के बारे में जानकारी साझा की है। सिंह ने बताया कि राम रहीम जेल में कई तरह के काम करता है, जेल में सब्जी उगाने का काम उसकी तरफ से किया जा रहा है, उसे 8 घंटे में 20 रुपए दिए जाते हैं। केपी सिंह ने कहा कि राम रहीम ने बात करने के लिए 10 नंबर दिए हैं, इन 10 नंबरों में हनीप्रीत के नंबर की पुष्टि नहीं हो सकी है, सिर्फ राम रहीम के मां के नंबर की ही पुष्टि हो पाई है। जेल में वो एक आम कैदी की तरह ही रहता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सब्जी उगाने का काम उसकी तरफ से किया जाता है। हालांकि पहले कई तरह की अटकलें लगाई जाती रही थी कि वो जेल में झाड़ू लगाता है, कहीं पोंछा लगाता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो जेल में सब्जी उगाता है। ये हरियाणा जेल के डीजी केपी सिंह की तरफ से कहा गया। जेल के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से रखते हुए उनके लिए जो जेल प्रशासन ने निर्धारित किया है वो खेती बाड़ी का काम निर्धारित किया है। जो उनकी बैरक है उस बैरक के साथ कुछ खाली जगह है जिसमें सब्जियां लगाने का काम उनको दिया गया है और वो तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी है। और अगले हफ्ते में, चूंकि अक्टूबर के महीने में पहले हफ्ते में सब्जियां लगाई जाती हैं, तो वो सब्जियां अपने बैरकों के साथ जो खाली जगह पड़ी है उसमें लगाएंगे। और उस बैरक के सामने कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं, उन पेड़ों की कटाई छटाई ये काम भी उनकी मशक्कत में शामिल है। कितनी दिहाड़ी उन्हें मिलेगी? दिहाड़ी ये खेती बाड़ी के काम को अकुशल माना जाता है, अकुशल को 20 रुपए प्रतिदिन के लिहाज से दिहाड़ी। अकुशल अनस्किल्ड, हाँ, अनस्किल्ड 20 रुपए की दिहाड़ी। और उन्होंने काम शुरू कर दिया? हाँ, उन्होंने काम शुरू कर दिया, वो कर रहे हैं।